अब बात राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान से मचे हड़कंप की। साउथ दिल्ली में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव आज शुरू नहीं हुई, लेकिन शाहीन बाग में अतिक्रमण करने वालों में दहशत जरूर फैल गई। शाहीन बाग में अतिक्रमण करने वालों ने खुद ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। शाहीन बाग में रोड पर लगने वाले फर्नीचर मार्केट में आज सन्नाटा पसरा है। प्रशासन की सख्ती के बाद शाहीन बाग में फुटपाथ खाली हुआ। आउटसाइड साउथ दिल्ली एमसीडी ने सरिता विहार और जसोला गांव में अतिक्रमण हटाने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस फोर्स न मिलने से सरिता विहार जसोला में आज कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एक्शन जरूर उस कार्यवाही का देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहां पर शाहीन बाग में अतिक्रमण करने वाले लोगों में दहशत फैल चुकी है। जिन भी लोगों ने सड़क से आगे एरिया में अपना सामान लगाया हुआ था, उसे डिस्प्ले किया हुआ था, उन्होंने उन सारे सामानों को वहां से हटा दिया है। खुद ही अपना सामान हटाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। शाहीन बाग में रोड पर जो फर्नीचर मार्केट देखने को मिलती थी, आज उस फर्नीचर मार्केट में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई सामान आपको नजर नहीं आ रहा है, और जो लोग यहां पर फर्नीचर मार्केट लगाते थे, उन लोगों ने अपने सारे सामान को समेट लिया है। सैयद नजीर ने शाहीन बाग से रिपोर्ट भेजी है, देखिए। साउथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। आज जसोला और सरिता विहार में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जो अतिक्रमण वहां पर किया गया है उसको हटाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त हम शाहीन बाग में मौजूद है। यहां पर भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाना है, लेकिन अभी यहाँ पर किसी तरह की एमसीडी की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। आप देख सकते हैं जितने सड़क किनारे सामान पड़े हैं, खासकर शाहीन बाग से लेकर अबुल फजल तक जो फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर का काम यहाँ पर होता है, इसलिए भारी तादाद में फर्नीचर यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर दुकानदारों, शोरूम मालिकों ने खुद ही यहाँ से जो जो सामान फैले हुए थे उनको हटाने का काम यहाँ पर खुद से शुरू किया। हालांकि ओखला पुलिस की तरफ से, जो ओखला थाना है, वहाँ से ये कहा गया था कि जितने भी सड़क पर सामान फैले हैं उनको वो हटा ले, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई के तहत उनको नष्ट कर दिया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। इसके बाद सभी दुकानदारों ने मिलकर जितने भी दुकान के बाहर सामान थे उनको हटाने का काम यहाँ पर शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर जो चौकी पड़ी हुई थी, यहाँ पर फर्नीचर, प्लास्टिक की चेयर पड़ी हुई थी, उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और जितने भी यहाँ तमाम शोरूम के मालिक हैं, शोरूम के ओनर हैं, वो इस काम में कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत लंबा लेन है ये शाहीन बाग से अबुल फजल तक, जहाँ पर फर्नीचर और दूसरे तरह के शोरूम यहाँ पर काम करते हैं। आप देख सकते हैं मजदूर अभी भी यहाँ पर चौकी हटा रहे हैं ताकि किसी तरह की कार्रवाई हो तो उनको इससे बचाया जा सके। हमारे साथ एक सज्जन, इनसे पूछते हैं, यहाँ पर जो आप लोग खुद यहाँ पर शोरूम के बाहर जो सामान था, खुद से आप लोगों ने हटाया या किसी तरह का नोटिस दिया गया? सर मैं मेरा फर्नीचर का काम नहीं है यहाँ पर, मैं ऐसे में लगे पास पड़ोस से ही हूँ। अब ये तो इस चीज़ का तो यही बताएंगे इन्होंने कैसे हटाया है या क्या करा है। लेकिन ये तो जानकारी होगी कि साउथ दिल्ली में जगह जगह अब अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, साउथ दिल्ली का ही नाम शुरू हो, दिल्ली का ही क्यों नहीं आता? नहीं तो आज कार्रवाई जसोला और सरिता विहार में हो रही है। जितना भी अतिक्रमण है, कहीं भी है, किसी भी एरिया के अंदर है, फुटपाथ है, तो आपके हमारे पैदल चलने के लिए है, ना कि साग सब्जी और चीज अदर आइटम बेचने के लिए। हम आप इंसान हैं, हमें सफाई चाहिए, हमें अच्छे रोड, अपने अच्छे फुटपाथ चाहिए, वहाँ होने ही नहीं चाहिए अतिक्रमण। ये देखते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जाहिर सी बात है साफ सफाई किया जा रहा है। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, एक शोरूम ओनर है यहाँ पर हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर नाम बता दीजिए, और ये आप लोग खुद से ताहिर साहब, ये खुद से आप लोग यहाँ पर हटा रहे या किसी तरह का नोटिस एमसीडी की तरफ से? कुछ नहीं आया, हमने मीडिया में देखा था यहाँ से सफाई होने वाली है, तो हटा लिया, हमें कोई परेशानी कोई, यहाँ पर जगह खाली तो मैं रख लिया सामान, अपना निकल लिया सामान, जो दो चार कुर्सी रखी थी वो रखी थी, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा रोड चौड़ा हो जाए, अच्छा लगेगा, सफाई हो जाएगी। तो लेकिन बहुत काफ़ी लंबा स्ट्रेच है ये शाहीन बाग से अबुल फजल तक, जहाँ शोरूम के बाहर इंक्रोचमेंट है। जी जी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ का फैसला दिल्ली में करे ना, सारे दिल्ली में एमसीडी ही करवाती है अतिक्रमण, और वही फिर कार्रवाई मुस्लिम बहुल क्षेत्र को देख करके फिर शुरुआत यहीं से हो रहा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र से, कहीं और से हो तो हम लोग जाने कि हाँ सारे दिल्ली में हो रहा है, ये तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र को देख करके, हाँ भाई शाहीन बाग बटला हाउस यहीं से अतिक्रमण है, यहीं सभी अतिक्रमण हटाओ तो सारी दिल्ली में हो सारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।